मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही खींचतान के बीच गुरुवार को राजनिवास से बुलावे के बाद सीएम केजरीवाल ने किसी और समय मिलने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि बुलावे के लिए धन्यवाद एलजी साहब, मैं कल पंजाब जा रहा हूं। माननीय उपराज्यपाल से हम मिलने के लिए किसी और समय का अनुरोध कर रहे हैं। बता दें कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उनके मंत्रियों को और आपके 10 विधायकों को मिलने के लिए बुलाया था। राजनिवास के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि मुख्यमंत्री को उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों और उनकी आम आदमी पार्टी के किन्हीं 10 विधायकों के साथ शाम 4 बजे बैठक में आने के लिए कहा गया है। प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को फिनलैंड में भेजने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव सहित कई मुद्दों पर दिल्ली सरकार और एलजी आमने सामने हैं। वहीं इससे पहले विधानसभा सत्र में भी दिल्ली सरकार और एलजी के बीच खींचतान का सिलसिला चरम पर रहा था। 16 जनवरी दिन सोमवार को विधानसभा से लेकर सड़क तक सियासी हंगामा बरपा था। सदन की पहले दिन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। उपराज्यपाल पर दिल्ली सरकार के कामकाज पर दखल देने का आरोप लगाते हुए सत्ता पक्ष के सदस्य भड़के थे। वहीं विपक्ष प्रदूषण पर जांच ना करवाने से नाराज था। दिल्ली सरकार को प्रदूषण के मुद्दे पर घेरने के लिए भाजपा विधायक मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए थे। उनके इस कदम पर विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी जताई और सिलेंडर बाहर करने के निर्देश दिए थे। ऐसे में आलम ये रहा था कि एक घंटे में 3 बार सदन की कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को स्थगित करनी पड़ी थी। बावजूद इसके सदन में कोई कामकाज नहीं हो सका था। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आप विधायकों ने राजनिवास तक पैदल मार्च निकाला था। साथ ही आपने एलजी पर ना मिलने के आरोप भी लगाए थे। एक तो पहले से दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में खींचतान जारी है। कुछ शिक्षकों को फिनलैंड में शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए केजरीवाल सरकार भेजना चाहती थी, लेकिन एलजी साहब ने इसकी इजाजत नहीं दी। अब एलजी साहब ने केजरीवाल को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल ने अब पंजाब जाने का फैसला लिया है। ऐसे में सीएम केजरीवाल और एलजी के बीच में खींचतान और भी बढ़ सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।